हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉ स्कूल। आज की जो हमारी पर्टिकुलर क्लास है जी, इसमें हम डिस्कस करेंगे, आप ये कह लो एक सीरीज स्टार्ट हो रही है जिसमें हम रेगुलर क्लासेस लेके आएंगे और आपसे हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में जो है डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो हिंदू मैरिज एक्ट आपको पता ही है, इट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर जुडिशरी। सो दिस थिंग विल हेल्प यू आउट नॉट ओनली इन जुडिशरी बट फॉर योर लॉ एग्जाम्स ऑल्सो, एकेडमिक्स ऑल्सो, है ना, एंड इवन फॉर क्लैट ऑल्सो। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत ईजी, बट प्रश्न जो क्वेश्चन है इसमें बहुत बार देखे गए हैं, आते भी हैं। ठीक है ना, सो इसकी हम क्विक रिविजन करते जाएंगे, फिर इसके बाद हम कोई और छोटा सब्जेक्ट उठा लेंगे, जैसे हो गया सोगा हो गया या SRA हो गया। ठीक है, सो ऐसे ऐसे करते 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 जो है आपकी 7 by 7 जो है आपके बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी होती रहेगी। ठीक है, और कंसेप्ट क्लैरिटी भी जो है इसके साथ आपको होती रहेगी। हाँ जी, तो चलते हैं जी इस टॉपिक के ऊपर। जस्ट इंट्रोडक्टरी ये आपका लेक्चर है, ठीक है, और यस, लेट अस स्टार्ट विद आवर क्लास। या हाँ जी, सो स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। द हिंदू मैरिज एक्ट इज एन एक्ट ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट दैट वॉज अप्रूव्ड ऑन व्हेन 18th May 1955। अगेन डेट वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ऐसे डेट पे भी जो है आपका क्वेश्चन आ जाता है, सो आपको याद रखना है कब आया था ये 18th May। क्लियर? नाउ द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 इसके बाद आया है, फिर उसके बाद हिंदू माइनॉरिटी गार्डियनशिप एक्ट 1956, फिर हिंदू एडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 वर ऑल एनएक्टेड एट दिस टाइम एज अ पार्ट ऑफ योर हिंदू कोड बिल। द हिंदू मैरिज एक्ट वॉज पास टू प्रोटेक्ट द लीगल राइट ऑफ हिंदू ब्राइड्स एंड ग्रूम्स who are joined by the holy bond of marriage. So yes, this particular act, you know, talks about your marriage. It touches all the aspects of marriage, whether it is the nullity of the marriage, whether it is void, avoidable marriage, whether it is desertion, whether it is divorce, what are the essential conditions for the valid marriage. So all the certain important aspects are covered in this particular act. Clear? Now, let us see what is the basic structure. So this act of 1955 is, you know, divided into 6 chapters which consist of 29 sections. Sections dekho ji, is act ke bahut kam hai, kam bhi hai but easy bhi hai aur dusri baat important bhi. Clear? So the layout of the same has been provided here under. Chapter 1 aapka plenary hai, uske baad Hindu marriages. Chapter 2 baat karta hai, चैप्टर 3 बात करता है आपका रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स एंड जुडिशियल सेपरेशन, ये टॉपिक भी हम कर चुके हैं। फिर चैप्टर 4 है नलिटी ऑफ मैरिज एंड डिवोर्स, ये टॉपिक भी हम कवर कर चुके हैं। फिर है आपका ज्यूरिसडिक्शन एंड प्रोसीजर, फिर है आपका सेविंग्स एंड रिपीट्स। क्लियर? सो पहले व्हाट आर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। सो पहला इंपॉर्टेंट है फॉरबिडिंग बायगैमी। So this particular act, you know, it is against, or you can say it forbids a man from having multiple wives at the same time, or females to have multiple husbands at the same time. ठीक है जी? So section 5 of the act specifies that illegal to have two living wives at once, which is known as bigamy. It implies that one cannot get married to someone without first divorcing their spouses. If he does the act, it is unlawful and he will be penalized in accordance with sections 494 and 495 of the Indian Penal Code. आपको पता ही है IPC के under bigamy जो है एक offence है आपका, है ना, bigamy is an offence. ठीक है, sections कौन सा है, 494 and 495 of IPC. Clear? But यहाँ पे जो है section 5 बात करता है कि
आपकी सिर्फ एक ही स्पाउस होना चाहिए, ठीक है? अगर आप किसी और के साथ मैरिज करना चाहते हो तो पहले आपको अपनी फर्स्ट वाइफ को, स्पाउस को, हस्बैंड को डाइवोर्स देना पड़ेगा, तभी आप दूसरी मैरिज जो है करवा सकते हो, बिकॉज बाइगैमी इज नॉट अलाउड, ठीक है? इट इज फॉरबिडन इन द हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955। क्लियर स्टूडेंट्स? आगे चलते हैं। मैरिज एज प्रिस्क्राइब्ड कर रखी है जिसमें, वो कौन सा सेक्शन है आपका? 5 क्लॉज 3 है। ये आपका सेक्शन है 5 क्लॉज 3। क्लियर? हाँ जी। सो ब्राइड ग्रूम की कितनी होती है? 20, ब्राइड की 18। अभी इसका भी लॉ पास हो गया है, इसके भी अब 21 की जो है बिल पेंडिंग है लेजिस्लेचर में। अब आपकी ब्राइड की एज भी 21 हो जाएगी, ठीक है? बिकॉज फॉर द इक्वालिटी पर्पसेस आल्सो एंड फॉर द सोशल रीजंस आल्सो लेजिस्लेचर हैज डिसाइडेड दैट दे विल इंक्रीज द एज ऑफ ब्राइड आल्सो फ्रॉम 18 to 21 years विल बी फिक्स्ड फॉर द मैरिज। क्लियर? जो और जो इसके अंडर करवाते हैं उनको चाइल्ड मैरिज बोल देते हैं, है ना? इफ अ मैरिज इज नॉट कैरिड आउट इट इज वॉइड एंड हैज नो लीगल स्टैंड। तो अगर मान लो किसी की 18 से कम है, शादी हो गई, सो द टाइम द पर्सन अटेन्स द मेजोरिटी दैट पर्सन हैज द राइट आइदर टू स्टैंड द मैरिज वॉइड और वैलिड। इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन चॉइस। क्लियर? आगे चलते हैं हम। एक्ट ऑफ 1955 इटेंड्स टू प्रोटेक्ट द पार्टीज मैरिज। द रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स इज प्रोवाइडेड फॉर इन सेक्शन 9 ऑफ द, हम पढ़ चुके हैं जी, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स कहाँ दिया रखा है? ये आपका सेक्शन 9 में दे रखा है। सो टू रिमेन टुगेदर कॉन्जुगल राइट्स आर राइट्स डेराइविंग फ्रॉम द मैरिटल टाई। द मेन आइडिया ऑफ द 9 इज द स्पाउस इज द राइट टू कोहैबिट इन द ऑर्डर टू सेफगार्ड द यूनियन प्रिजर्व द सैंक्टिटी। देखो अभी है पार्टी प्रोटेक्ट करने की बात, क्यों है? बिकॉज एग्जैक्टली जो आपका सेक्शन 9 है वो है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, ठीक है? सो इट सेज द राइट्स टू रिमेन टुगेदर, है ना? और एक होता है आपका जुडिशियल सेपरेशन, उसमें आपका डाइवोर्स नहीं होता। पार्टीज यू नो डिसाइड टू लिव सेपरेटली बट द मैरिज दैट सस्टेन्स बट देयर अदर रिलेशनशिप और यू कैन से फॉर देयर कोहैबिटेशन दीज थिंग्स डज नॉट सस्टेन इन दैट पर्टिकुलर कोर्स पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है? बट जो आपका रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स है वो आपका सेक्शन 9 में दे रखा है। ये आपका बात करता है कि राइट्स यू नो विच आर डिराइव फ्रॉम द मैरिटल टाई, द राइट टू कोहैबिटेट ईच एंड एवरीथिंग। सो द मेन आइडिया ऑफ सेक्शन 9 इज दैट द स्पाउस हैज द राइट टू कोहैबिटेट इन ऑर्डर टू सेफ गार्ड देयर यूनियन एंड टू प्रिजर्व द सैंक्टिटी ऑफ देयर मैरिज। क्लियर? तो ये कहाँ पे आपके सेक्शन इस एक्ट में लिखा हुआ है? ये आपका सेक्शन 9 इसकी जो है बात करता है। क्लियर स्टूडेंट्स? आगे चलते हैं हम। फोकस ऑन द मेंटल स्टेबिलिटी ऑफ पार्टीज गेटिंग मैरिड। सो पर्सन्स मैरिज विल बी नल एंड वॉइड इफ दे वर मेंटली अनफिट। अब देखो यहाँ पे अगर एक पर्सन इज अनसाउंड ऑफ अनसाउंड माइंड और इज नॉट हैविंग अ गुड मेंटल कैपेबिलिटी या स्टेबिलिटी देन दैट मैरिज स्टैंड्स नल एंड वॉइड। क्लियर? सो द इंडिविजुअल मस्ट ऑल्सो ऑफर लीगली बाइंडिंग कंसेंट बिफोर बिकमिंग मैरिड। द प्री रिक्विजिट्स ऑफ हिंदू मैरिज रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ एंड कैपेसिटी आर स्टेटेड इन सेक्शन 5 सब क्लॉज 2 A B and C। क्लियर? सो यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर आप मैरिज करवा रहे हो, आपकी फ्री विल, फ्री कंसेंट होनी भी बहुत जरूरी है। अगर आप मेंटली स्टेबल नहीं हो तो आपकी फ्री विल कहाँ से आएगी? नहीं आएगी ना। सो मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट, जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था, ठीक है? वी नीड फ्री विल एंड कंसेंट ऑफ द अदर पार्टी कंसेंटिंग टू इट। व्हेन द वन पार्टी इज नॉट कंसेंटिंग विद फ्री विल, ठीक है, सो देन दैट पर्पस ऑफ द मैरिज और द यू कैन से दैट पर्सन मैरिज विल स्टैंड व्हाट? इट विल स्टैंड नल एंड वॉइड। क्लियर? सो सिग्निफिकेंस ऑफ सेरेमनीज, अगेन दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सो द लॉ स्टेट्स दैट इफ टू पर्सन आर गेटिंग मैरिड अकॉर्डिंग टू द कस्टमरी लॉ, ठीक है, सो
they have to see whether they are using the perfect customary rites or not. Then only the marriage will be considered a lawful marriage. Clear? So कह रहे हैं the father must take care of and safeguard any children born after marriage because they are legally entitled to exist and customary rituals and rites their marriage is lawful. देखो जब आपकी registration होती है बकायदा proper photographs लगती हैं चाहे आप आनंद कार्ज कराओ चाहे आप हिंदू रिचुअल से मैरिज कराओ सो जस्ट टू प्रूव दैट द सेरेमनी विच वॉज फॉलोड वॉज अ लॉफुल वन वॉज अ लीगल वन क्लियर स्टूडेंट नाउ व्हाट वर द चेंजेस ब्रॉट इन बाय हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इन द इंडियन टेरिटरी सो दीज आर द चेंजेस विच वर ब्रॉट इन बाय द हिंदू मैरिज एक्ट कंसर्निंग द वे मैरिजेस इन इंडिया वर परसीव्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कॉलोनियलिज्म अंडर ब्रिटिशर्स सो तब कौन कौन से चेंजेस लाए गए थे कौन कौन से सेक्शंस को देख के बनाया गया था वो हम डिस्कस करेंगे 1955 में हाँ जी हिंदू मैरिजेस टुडे आर लेस फोकस्ड ऑन रिलीजन इन कंट्रास्ट टू बीइंग सैक्रामेंटल इट इज मोर द आउटकम ऑफ म्यूचुअल अकॉर्ड विच इज गिवन अंडर सेक्शंस 5 2 3 1 टू 13 एंड 7 हिंदू जैन सिख एंड बुद्धिस्ट यूनियंस आर नाउ लीगली रिकॉग्नाइज्ड एज लेजिटिमेट हिंदू यूनियंस विच आर सेक्शन 2 आपको बताता है कि कौन कौन हिंदूज है वहां लिखा होता है हिंदूज में आपके हिंदू आएंगे जैन्स आएंगे सिक्स आएंगे बुद्धिस्ट आएंगे ठीक है जी सो ये आपके सारे जो है हिंदू मैरिज एक्ट के तहत के अंदर कवर्ड है क्लियर जी आगे द डिफरेंस बिटवीन मिताक्षरा एंड दयाभागा स्कूल अगेन मिताक्षरा एंड दयाभागा के ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन जो है आपका पूछा जाता है आपको ध्यान रखना है अबाउट द फ्रेज प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप पिंडा रिलेशनशिप या प्रोहिबिटेड बोलते हैं सो द पर्पस ऑफ मैरिज हैज बीन एलिमिनेटेड एज पर सेक्शन 3 सो दिस स्ट्रॉन्ग प्रोहिबिशन ऑन मैरिज इनसाइड द बाउंड्स ऑफ पिंडा रिलेशनशिप्स हैव बीन ग्रेटली लूजर्न देयर हैव बीन आल्सो फ्यू डिग्रीज ऑफ किनशिप एडेड सो वन कैन नो लॉन्गर वेड समवन हु वाज द वाइफ ऑफ ब्रदर हाँ जी सो पिंडा रिलेशनशिप्स हम डिटेल में करेंगे ही तो मिताक्षरा जो दयाभागा स्कूल है उन्होंने उस टाइम पे ही बहुत ज्यादा फोकस करा प्रोहिबिटेड डिग्रीज ठीक है कि हम किन किन डिग्रीज तक मैरिज करा सकते हैं किन डिग्रीज तक मैरिज जो है अपने नहीं करा सकते सो स्पिंडा रिलेशनशिप जो है फॉलो करा जाता है हमारे यहाँ ठीक है अगर जो रिलेशनशिप स्पिंडा के अंदर फॉलो होता है या उसके डिग्रीज में आता है वो मैरिज आपकी क्या हो जाती है फिर वॉइड हो जाती है क्लियर आगे चलते हैं हम हाँ द एक्ट मार्क्स द फर्स्ट टाइम मोनोगेमी हैज बीन प्रैक्टिस हाँ जी तो यहाँ पे इस एक्ट से पहली बात क्या लेके आए थे मोनोगैमी लेके आए थे बाइगैमी को उन्होंने जो था वो पनिशेबल ऑफेंस बना दिया था बाइगैमी नहीं रहेगी सिर्फ मोनोगैमी जो है प्रैक्टिस करी जाएगी पेनल्टी रहेगी बाइगैमी के लिए सेक्शन 5 एंड 17 जो है यहाँ पे जो है मोनोगैमी की बात करते हैं क्लियर सो नाउ दैट द कास्ट फैक्टर्स फॉर इंटरकास्ट इंटर कम्युनिटी हैव बीन रेंडर्ड इररिलेवेंट ऑल प्रोहिबिटर्स विल हैव टू बी लिफ्टेड सो कास्ट सिस्टम बेसिस ऑन द कास्ट एंड ऑल दीस थिंग्स वर कंसीडर्ड टू बी इररिलेवेंट ठीक है बिकॉज़ वी हैव टू लिफ्ट द सोसाइटी अगर हम उस पे भी डिफरेंसेस बना के डाल देते तो फिर तो हो गया था है ना हां जी अगेन ऑल्दो द एशियन हिंदू लॉ डिड नॉट स्पेसिफाई एनी एज लिमिट बट नाउ बट एट दैट टाइम ब्राइड की 18 कर दी थी और ब्राइड ग्रूम की 21 बट अब मैंने बता दिया है रीसेंट बिल अब पेंडिंग है 21 आपकी हो जाएगी सो द एक्ट एस्टैब्लिशेस रिक्वायरमेंट्स फॉर लीगल मैरिज एंड एक्ट डज नॉट रिकॉग्नाइज एनी स्पेसिफिक टाइप ऑफ हिंदू मैरिज सो लीगल मैरिज की बात करती है कोई स्पेसिफिक आप ऐसी सेरेमनली बोल के उसकी जो रिकॉग्निशन जो है आपका हिंदू मैरिज एक्ट नहीं करता The Act does not specify a specific ceremony for a legal Hindu. According to sections 5 and 7, such a marriage may be performed in line with customary rites and rituals, either one of the by. देखो, if one is a Hindu, Hindu by Hindu religion, one is Sikh. So क्या होगा दोनों को मिलके एक customary जो है ceremony perform करनी होगी whether by Hindu marriage or Sikh marriage.
ठीक है, उसकी जो है फिर फोटोग्राफ्स आपकी कोर्ट में लग जाती हैं या आपके एसडीएम के ऑफिस में दिखा के आपकी मैरिज जो है रजिस्टर हो जाती है। क्लियर? सो फॉर द फर्स्ट टाइम अ प्रोविजन फॉर रजिस्टरिंग हिंदू मैरिजेस हैव बीन मेड। देखो मैंने बताया ना, फॉर द पर्पस ऑफ, देखो मैरिज रजिस्टर करवानी कंपल्सरी हो गई है, मैंडेटरी हो गई है आज के टाइम में। तो सेक्शन 8 उसकी बात करता है, वहां आपकी सारी फोटोग्राफ्स लगती हैं, जहां चेक होता है कि आपने कस्टमरी मैरिज कैसे करी। ठीक है? हाँ जी। बिफोर द एक्ट अ वैरायटी ऑफ मैरिटल अरेंजमेंट्स वर पॉपुलर, दे आर नाउ रेलेवेंट एंड दैट टाइप ऑफ मैरिज रिकॉग्नाइज्ड बाय द पार्टीज एज बीइंग प्रेवलेंट इन द कल्चर विल बी मैरिज। हाँ जी। द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल सेपरेशन, डाइवोर्स, मैरिज एनलमेंट, फॉर रिमूविंग प्रोहिबिशन बेस्ड ऑन गोत्र, प्रवारा, पिंडा रिलेशनशिप्स, द प्रोविजन फॉर रिकवरी ऑफ द पार्टीज मैरिटल राइट्स, दैट इज कॉन्जुगल रेस्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्जुगल राइट्स, देन फॉलोइंग अ लीगल डिवोर्स, देन आइदर स्पाउस कैन रीमैरी, सेक्शन 15, ऑल दीस पर्टिकुलर थिंग्स एंड फैक्ट्स हैव बीन कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर एक्ट। क्लियर? नाउ प्रोविजन फॉर द वैलिडिटी ऑफ द चिल्ड्रन बॉर्न फ्रॉम यूनियन मे बी लेटर बी डीम्ड नल एंड वॉइड अवॉइडेबल, ये आपका सेक्शन 16 बात करता है। स्पाउसल मेंटेनेंस जिसको हम बोलते हैं पेंडेंट लाइट, फॉर कोर्ट कोर्ट कॉस्ट, ये आपका सेक्शन 24 बात करता है। एलिमनी एंड सपोर्ट 25 सेक्शन बात करता है। द केयर सपोर्ट इंस्ट्रक्शंस ऑफ यंग चिल्ड्रन चिल्ड्रन व्हाइल लीगल प्रोसेसेस आर पेंडिंग एज वेल एज अ रूलिंग हैज बीन मेड, दिस इज कवर्ड अंडर योर सेक्शन 26 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। द एक्ट नो लॉन्गर डिस्टिंग्विशेस बिटवीन अ मेडन्स मैरिज एंड अ विडोज मैरिज। सो यहाँ पे विडोज मैरिज या मेडन मैरिज की यहाँ कोई बात नहीं है कि विडो कैन री मैरी, ऑफ कोर्स शी कैन री मैरी व्हेन द हस्बैंड डाइज, है ना, क्योंकि ये बातें आपकी मुस्लिम लॉ में बहुत अच्छे से कवर है, बट यहाँ पे इसके बारे में कोई जो है चर्चा नहीं करी। क्लियर? सो ये था आपका ब्रीफ, यू नो कि क्या है आपके हिंदू मैरिज एक्ट में, क्या 29 सेक्शन बात करते हैं, उस टाइम पे कौन सी चीजों पर ज्यादा जो है फोकस करा गया था। अब हम बारी, अभी इसके बाद हम धीरे 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 जो है सारे इसके टॉपिक्स जो है कवर कर लेंगे कि क्या क्या हिंदू मैरिज एक्ट में बातें हैं, सो दैट आपके अगेन जुडिशरी पॉइंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाए। सो दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास, मिलते हैं अगली क्लास।